Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back. नमस्कार दोस्तों, आगे हम नई वीडियो लेकर, और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि कोरोना की वजह से पबजी वालों को क्यों पड़ रहा है रोना। सो अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण पबजी वाले रो रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं आपको कुछ ऐसे तीन पॉइंट्स या तीन प्रॉब्लम कह सकते हैं वो बताऊंगा, जिससे आप मान जाओगे कि ऐसा सच में हो रहा है और आपके साथ भी ये हो रहा होगा। तो ये हर पबजी खेलने वाले भाइयों की कहानी है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा। सो एंड तक आप मान जाओगे कि यार सच में ऐसा होता है। और जो भी प्रॉब्लम इन तीन में से आपके साथ होती है उसको कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब से कोरोना आया है और लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है हर देशों में, तब से पबजी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, इश्यूज आ गए हैं। सो पहला इशू हमारा रहने वाला है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है पिंग इशू। पबजी मोबाइल के अंदर पिंग की मोस्ट कॉमनली वैल्यू रहती है, क्योंकि पिंग ही आपका बहुत ही मेन डिपेंड करता है कि आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। जितना अच्छा आपका पिंग रहेगा उतनी अच्छी आपकी गेमिंग चलेगी, और पिंग से ही आपका गेम का पूरा सर्वर कनेक्ट रहता है कि जितना अच्छा पिंग होगा उतना अच्छा आपकी गेम रिस्पॉन्स करेगी। सो आजकल पिंग बहुत ही अनस्टेबल रह रहा है कि पिंग आपका अप डाउन जा रहा है, जिसके कारण पबजी प्लेयर्स को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लैगी गेम हो गई है बहुत, गेम जिसे कहते हैं गेम चिपक रही है। आजकल गेम बहुत ही चिपक रही है, पहले तो रेंडर पे गेम चिपका करती थी, लेकिन अब तो हर जगह ही गेम चिपक रही है। जहां पर भी जाओ, जहां पर बंदे ना भी हो वहां पर भी गेम चिपक रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आम हो गई है आजकल पबजी के अंदर। सो मानता हूँ दोस्तों आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि जिनके पास सेपरेट वाईफाई नहीं होता उनके साथ तो मैक्सिमम ये प्रॉब्लम होती है। तो पहली प्रॉब्लम यही रही। दूसरी प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की अनस्टेबल के कारण। नेटवर्क बहुत ही अनस्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि एकदम से लोड बढ़ गया है हर नेटवर्क पे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मतलब मैक्सिमम सभी घरों पर ही है, और लोड बहुत ही बढ़ रहा है नेट पे, क्योंकि बहुत ही लोग यूज़ कर रहे हैं नेट। तो इसकी वजह से आपके नेटवर्क इशू बहुत आ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक पबजी वालों के लिए, क्योंकि नेटवर्क अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस आप जितना भी अच्छा कर लीजिए अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि नेटवर्क भी आपका बहुत साथ देता है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर। सो दो प्रॉब्लम आपके लिए मोस्ट कॉमनली यही रहेगी। तो तीसरी जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही खास है और सबके मोबाइलों में मैक्सिमम हो रही है, बड़े से बड़े मोबाइल में भी वही प्रॉब्लम हो रही है, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। सो तीसरी प्रॉब्लम हमारी है गेम फ्रीजिंग की, कि गेम फ्रीज हो जाती है। मतलब गेम फ्रीज का मतलब होता है कि जैसे आप गेम खेल रहे हो, मान लो ये बंदा है आगे, आपने शॉट लिए और आपकी गेम एकदम अटक जाएगी, ऐसे ही स्टॉप हो जाएगी, और आपको दोबारा से रिस्टार्ट करके वापस आना पड़ेगा तभी आपकी गेम चलेगी। या आपने प्लेन से आप कूदे और हवा में ही आपकी मतलब गेम बैक होगी और आप हवा में एक जगह ही दिखा रहे हो। तो ये गेम फ्रीज का बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बहुत ही बड़े बड़े मोबाइलों में भी दिख रही है। मेरे मोबाइल में तो हर एक दूसरी या तीसरी गेम में ये प्रॉब्लम दिख जाती है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती होगी गेम फ्रीजिंग की, और अगर आती है तो बताना यार कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। पिंग का इशू आ रहा है, नेटवर्क का आ रहा है, या फिर गेम फ्रीजिंग का इशू आपकी गेमिंग में आ रहा है। सो ये तो रही कुछ प्रॉब्लम्स जो आजकल कोरोना की वजह से इफेक्टेड हुई है पबजी मोबाइल के अंदर। तो पर आप कुछ भी मत कीजिए, डरिए मत, और घर में बैठिए और बस प्रे कीजिए कि ये कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, और जैसे कोरोना वायरस ख़त्म हो वैसे ही पबजी के अंदर की ये प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएगी। और टेंशन मत लीजिए, घर में रहिए और सबका ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और गेमिंग खेलिए, ग्राइंड हो जाइए कंपिटेटिव के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट्स भी आने वाले हैं। सो अपना ध्यान रखिए, गेमिंग पर भी ध्यान दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah.